नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन उसकी जो गर्माहट है अब भी बिहार की राजनीति में देखी जा रही है। चाहे मामला विपक्ष का हो या फिर सत्ता पक्ष का हो या फिर इन सभी से अलग इतर हट करके हम बात करें लोजपा का मसला हो, खैर चुनाव बिहार में खत्म हो गए, सरकार चल रही है। लेकिन अब जो चुनाव है बंगाल में होने को है, असम में होने को है और भी राज्यों में होने को है। फिलहाल बंगाल और असम हॉट सीट बनी हुई है, हॉट केक की तरह है, जिसे सभी राजनीतिक पार्टी जिस हॉट केक पर अपना दावा जो है प्रस्तुत करना चाहती है। और इसी कड़ी में एक और नया नाम जुड़ गया है। जी, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर के लोजपा ने अपना दावा पेशकश कर दिया है। जी हाँ, लोजपा जो है पश्चिम बंगाल में के जो चुनाव है उसमें पूरे दमखम से उतरने जा रही है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि लोजपा वहां भी अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि पश्चिम बंगाल के कुल 294 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ने जा रही है। इसके पीछे की रणनीति बताते हुए जो लोजपा के कदावर नेता है चंदन सिंह, उन्होंने कहा है कि लोजपा का एकमात्र उद्देश्य जो है दलितों का उत्थान है। ऐसे में लोजपा अपनी पार्टी के बंगाल में विस्तार के साथ साथ वहाँ जो पश्चिम बंगाल में दलितों की जो संख्या है, इसके लिए उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी लगभग 53% है। ऐसे में उनके उत्थान के लिए जो लोजपा पार्टी है पश्चिम बंगाल में भी अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी लोजपा अकेले होकर के चुनाव लड़ी थी और 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यहाँ उन्हें जनादेश जो है लोजपा को नहीं मिल पाया, महज एक सीट पर लोजपा अपनी जीत जो है वो दर्ज करा पाई और अधिकतर सीटों पर लोजपा पर यह आरोप लगा कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को उन्होंने डैमेज किया। हालांकि जो भी बातें हो, लेकिन लोजपा बिहार के अलावा अब पश्चिम बंगाल में भी पैर पसारने जा रही है और पश्चिम बंगाल के सभी 294 सीटों पर लोजपा इस बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है और इस ध्येय के साथ उतर रही है लोजपा की वहां भी अपने पार्टी का विस्तार हो, वहां भी जनादेश लोजपा के पक्ष में हो। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आपने खबर देख लिया तो जरूरत है इसे शेयर करने की, शेयर करके अन्य लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।